हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल परफेक्टली। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे घर के कूलर के वायरिंग की, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे घर का कूलर है, इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक कूलर की मोटर होती है, हमारे पास ये मोटर है जो कि सिंगल फेज की है, और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा होता है, उसका कनेक्शन देखने वाले हैं कैसे करते हैं। और मान लीजिए हमारे पास एक वाटर पंप है जो कि पानी के फ्लो को सप्लाई करता है, और कनेक्शन के लिए हमारे पास है एक रेगुलेटर जो कि पावर अपने स्पीड को कंट्रोल करेगा मोटर की, इससे स्पीड कंट्रोल होगा। और उसके कनेक्शन के लिए हम एक स्विच ले लेते हैं, इससे मोटर ऑपरेट होगा। और वाटर पंप के लिए एक स्विच और ले लेते हैं, और इंडिकेशन के लिए हम ले लेते हैं एक इंडिकेटर जो कि इंडिकेशन शो करेगा कि हमारी लाइन आ रही है कि नहीं है। तो चलिए और एक ले लेते हैं हमारा कूलर का 3 पिन टॉप, जिससे हम कनेक्शन करने वाले। मान लीजिए हमारा ये फेज न्यूट्रल और अर्थिंग आती है, सबसे पहले हम अर्थ फेज का कनेक्शन करते हैं, और फेज का कनेक्शन जाएगा सीधा डायरेक्ट इंडिकेटर में, उससे एक हम एक टर्मिनल में दे देंगे स्विच के, और दूसरा दूसरे स्विच के टर्मिनल में दे देंगे, तीनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। और बचे हैं हमारे पास तीनों, दो स्विच के दो टर्मिनल और एक इंडिकेटर स्विच बचा है, तो उसमें हम एक स्विच का मोटर पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे, और हमारे पास बचा है दूसरे स्विच का एक टर्मिनल, तो उसमें हम रेगुलेटर के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे जो कि मोटर के स्पीड को कंट्रोल करेगा। हम उसको दूसरे टर्मिनल में दे देंगे, और बचा है हमारे पास अभी इंडिकेटर का एक। और हम बात करते हैं अब मोटर के बारे में। तो मोटर के मान लीजिए 4 वायर होंगे निकले हुए। तो अभी हम बात करने वाले हैं सिंगल फेज मोटर की। तो सिंगल फेज मोटर में 4 वायर दिखाई देंगे, 3 फेज मोटर में ज़्यादा वायर होते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं इस मोटर का कनेक्शन। तो आपको 4 वायर दिखाई देंगे, तो ऊपर के 2 वायर है जो कि कैपेसिटर को अटैच होंगे, हम इसका कनेक्शन कैपेसिटर के साथ दे देते हैं। और बचे हुए 2 वायर है जो कि हम फेज और न्यूट्रल दे देंगे। न्यूट्रल का पॉइंट हम डायरेक्ट एक वाटर पंप में दे देंगे, और दूसरा इंडिकेटर में देंगे, और तीसरा बचा हुआ वो मोटर को दे देंगे, जिससे हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और बचा हुआ रेगुलेटर का 1 वायर हम मोटर को फेज से दे देंगे, जिससे ऑपरेट हो जाएगा। और 3 पिन का 1 टॉप जो बचा है वो हम अर्थिंग को दे देंगे, मोटर को हम कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम मोटर को दिया तो अच्छा रहता है। तो इस तरह हमारी कूलर की कंप्लीट वायरिंग हो गई है। आप भी ये वीडियो देख के घर बैठे वायरिंग कूलर की कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।